सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्रिया विशेषण को समझाऊंगी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया है। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रूप के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। तो पहला है प्रयोग के आधार पर। क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले साधारण क्रिया विशेषण जानते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जहाँ पर अभी समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल था। तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता हो उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। अब है दूसरा, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो रूप के आधार पर तीन भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर तीन भेद हैं क्रिया विशेषण के। पहला है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं, अर्थात जो दूसरे शब्दों से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे पास, दूर, ऊपर, आज आदि। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण जो है वो दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगने से बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण बहुत तरीकों से होता है, लेकिन हम आप लोगों को दस बता रहे हैं। पहला है संज्ञा शब्दों से। तो संज्ञा शब्दों से क्रिया विशेषण है सवेरे, सायं, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, मन से आदि। सर्वनाम से है यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना आदि। विशेषण से क्रिया विशेषण है चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा आदि। क्रिया से क्रिया विशेषण है खाते, पीते, सोते आदि। पांचवा है शब्दों की द्विरूपति से, जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, बार बार, घड़ी घड़ी आदि। सिक्स में है विभिन्न शब्दों के मेल से, जैसे दिन रात, कल परसों आदि। सातवां है तह प्रत्यय लगाने से, जैसे वस्तुतः, मुख्यतः, विशेषतः आदि। आठवां है उपसर्गों के जोड़ने से, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिफल आदि। नाइन में है दो समान या अलग क्रिया विशेषणों में न लगाकर, जैसे कभी न कभी, कुछ न कुछ आदि। दस में है अनुकरण वाचक द्विरूपति से, जैसे पट पट, सटासट, धराधर आदि। तीसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। जो शब्द अन्य शब्द भेद के बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तुम दौड़ कर चलते हो। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से स्थानवाचक क्रिया जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आदि। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आजकल, परसों, पहले, तुरंत, नित्य आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के
परिमाण और उसकी संख्या का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे बहुत अधिक, पूर्णतया आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य आदि।